वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की दिस इज पार्ट नंबर ट्वेंटी सेवन इस पार्ट के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन की कस्टम ऑप्शन को टेक अप करूंगा जिसकी मदद से मैं इम्प्लाई आईडी को यूनिक तरीके से नेम को टेक्स्ट के अंदर और फोन को नंबर के अंदर प्रजेंट करूँगा आइएगा मूव करते हैं डेटा वैलिडेशन के पार्ट 27 के एग्जाम्पल की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर तीन कॉलम्स हैं इम्प्लाई आईडी, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज़ द फोन नंबर इस केस के अंदर हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई है एंटर यूनिक एम्प्लॉय आई नेम इन टेक्स्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन नंबर सो मैं इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके टेकअप करूँगा सबसे पहले मैं यूनिक एम्प्लाई आईडी को लेना चाहता हूँ आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉपडाउन बॉक्स में मैं लास्ट ऑप्शन कस्टम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फार्मूला बार के अंदर एक फार्मूले को दूंगा दिस इज इक्वल्स टू काउंट इफ मैंने ए हैडर के ऊपर क्लिक कर दिया जैसे ही ए हैडर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ए कॉलम ए आ गया कॉमा। अब मैं ए टू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ पेरेंथिस क्लोज इक्वल्स टू वन स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे इस ए कॉलम की रेंज के अंदर जो वैल्यू ए टू के अंदर दी गई है उसे चेक करो ये वैल्यू एक ही बारी आनी चाहिए आई से ओके मैंने इसको ओके okay कर दिया इस कंप्लीट रेंज के अंदर डेटा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट हो गया अब मैं यहाँ पर एम्प्लाई आईडी को दे रहा हूँ 101, 102, 103। मैं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक बारी 103 को रिपीट कर रहा हूँ जैसी मैं रिपीट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया This value does not match the data validation restrictions defined for this cell. जब मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 103 जीरो थ्री यहां से डिलीट हो जाएगा इफ आई राइट हेयर वन जीरो फोर इट अलाउज मी टू राइट दीज नंबर्स सो मैं यहां पर किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकता सिर्फ मैं यहां पर यूनिक एम्प्लाई आई को ही टेकअप कर सकता हूं हमने इसके लिए जिस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखा वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं इफ ए कॉलन ए दिस इज द रेंज कॉमा क्राइटेरिया के केस के अंदर मैंने ए टू को दे दिया पेरेंथिस क्लोज इक्वल्स टू वन इस ए कॉलन ए इस कंप्लीट रेंज के अंदर ए टू के अंदर दी गई वैल्यू को देखो ये वैल्यू सिर्फ एक बारी आनी चाहिए अगर तो ये वैल्यू एक बारी आ रही है तो इसको अलाउ कर दो अगर ये वैल्यू डुप्लीकेट हो रही हैं तो उसको अलाउ नहीं करना सो so, हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है अब मुझे नेम कॉलम के अंदर नेम को टेक्स के अंदर देना है सो so, मैं नेम की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया में मैंने सबसे लास्ट ऑप्शन कस्टम को चूज़ किया और यहाँ पे मैं फार्मूला के अंदर एक फार्मूला दे रहा हूँ चेक करो ये वैल्यू टैक्स के अंदर है या नहीं है सो so, मैंने इस टैक्स फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया इसके आर्गूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को दे रहा हूँ दैट इज़ बी टू बी टू के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाए चेक करो क्या वो टेक्स्ट है पेरेंथिस क्लोज आई से ओके अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ सबसे पहले मैंने अपना नाम दे दिया राजीव नाउ आई राइट वासु। थर्ड सेल के अंदर मैं एक और नाम दे देता हूं आई प्रेस एंटर ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन फॉर दिस सेल जैसी मैं कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा यह यहां पर लिखी गई वैल्यू वन टू तो, थ्री फोर को डिलीट कर देगा इट मींस मैं यहां पर टेक्स्ट तो लिख सकता हूं लेकिन यहां पर कोई डिजिट नहीं दे सकता वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। दिस इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। ये फंक्शन मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं नाउ आई मूव टू थर्ड रिक्वायरमेंट दैट इज कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर डिजिट्स के अंदर देना है सो so, मैं ये कंप्लीट कॉन्टेक्ट नंबर की रेंज को सिलेक्ट करूंगा आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ डाउन बॉक्स के अंदर मैं कस्टम ऑप्शन को चूज करता हूँ और फार्मूला बार के अंदर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ चेक करो क्या ये नंबर है या नहीं इसके लिए मैंने इस नंबर फंक्शन को टेक अप किया इस नंबर फंक्शन के आर्गुमेंट के केस के अंदर मैं कॉन्टेक्ट नंबर के नीचे वाले सेल की रेफरेंस दे रहा हूं दैट इज सी टो पेरेंथिस क्लोज आई से ओके इस कंप्लीट रेंज के ऊपर अब डेटा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट हो चुकी है मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं क्या ये नंबर्स को एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने यहाँ पर नंबर की लेंथ को सेट नहीं किया सिर्फ हमने ये कहा है कि ये नंबर एक्सेप्ट करे सो ये नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है आपने सेकंड सेल के अंदर भी देखा कि यह नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है मैं थर्ड सेल के अंदर भी कुछ नंबर्स को टेकअप कर रहा हूं ये उन नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन अगर मैं इस सेल के अंदर कुछ टेक्स लिख दू मैंने अपना नाम लिख दिया आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू राजीव लिखी है ये यह यहाँ से डिलीट हो जाएगा आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर सिर्फ मैं नंबर्स को ही लिख सकता हूँ इसके अंदर कोई टैक्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हमने यहाँ पर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह पर दे रहा हूँ इस नंबर पेरेंथे स्टार्ट मैंने सी टू का रेफरेंस दे दिया मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इन तीनों के डेटा वैलिडेशन बॉक्सेस दे दिए मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से एग्जांपल से आपको इन फंक्शंस को और डेटा वैलिडेशन को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी थैंक यू वेरी मच